पाक फौज के 5 जवान वतन पर निसार। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए, 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हमारे जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बोल को बोलने दो। शहबाज सरकार का आजादी सहाफत परवार। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल को बंद कर दिया। बोल ने इमरान खान के साथ साथ सबके जलसों को कवरेज दी। इमरान खान के जलसों के दौरान बोल दो दो घंटे बंद किया जाता रहा। पैमरा का हुक्मनामा जारी करके बोल न्यूज और एंटरटेनमेंट को बंद कर दिया गया। बोल हक और सच के साथ पहले की तरह हमेशा खड़ा रहेगा। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का बोल न्यूज की बंदिश पर तशवीश का इजहार। कहते हैं हुकूमत मीडिया की सेंसरशिप पर फासिज्म तक उतर आई है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज को PTI को दिखाने पर सजा दी। बोल को बंद करके तमाम मीडिया हाउसेस को पैगाम दिया गया ताकि वो मुल्क के मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करें। बोल न्यूज अवाम का मकबूल तरीन चैनल है। हुकूमत को आजादी सहाफत पर कदगन नहीं लगानी चाहिए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुज़म्मत। खुर्रम शेख जमान ने कहा कि रिजीम चेंज के बाद हर आवाज को दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान इस्माइल बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत की फस्तायत और खौफ सच को दबा नहीं सकते। अली जैदी ने कहा कि बोल न्यूज हक और सच का अलमदार है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर शदीद मायूसी का इजहार किया। बोल न्यूज की बंदिश के खिलाफ सहाफती हल्कों की मुज़म्मत। सदर RIUJ साथियों समेत बोल न्यूज के ऑफिस पहुंच गए। पेशावर प्लस क्लब के सदर की बोल न्यूज के दफ्तर आमद। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ग्रुप की शदीद अल्फाज मुज़म्मत। सहाफती रहनुमाओं का कहना है कि बोल न्यूज की नशरियात बंद करना आजादी सहाफत का गला दबाने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सहाफियों को हिरासत करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सहाफियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। यकीनी बनाएं कि आजादी इजहार पर कोई पाबंदी ना हो। एक सहाफी के खिलाफ 50 मुकदमे बना दिए जाते हैं। आज के जमाने में जबान बंदी नहीं की जा सकती। लगता है कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। सहाफियों का खौफ हुकूमत ने दूर करना है। यहाँ मसला है पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। छह सितंबर 1965 जुर्रत और शुजात की अजीम दास्तान रकम करने का दिन। मुल्क भर में यौम दिफा आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। कौम के बहादुर सपूतों ने 1965 में आज ही के दिन ताकत के नशे में चोर दुश्मन के नापाक अजायम को खाक में मिलाया था। पाक फौज ने कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवाए। अर्ज़े पाक पर मैली आंख से नजर रखने वाले भारतीय फौज का वो हाल किया जो सारी जिंदगी नहीं भुला पाएगी। कौम का अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को खराज अकीदत। और ISPR का फैसलाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकरीर पर रद्द अमल। पाक फौज की सीनियर क्यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। बयानबाजी पर आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना पाकिस्तान और फौज के मफाद में नहीं। पाक फौज आइन की बालादस्ती के अज़म पर कायम है। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।